Tried so hard and got so far, but in the end. Hello everyone, welcome to our channel Success Meter, and the slogan of my channel is don't stop until you find a way. So it is very important to know what is happening in and outside of India. So here is the GK update of 18th November to help you prepare the current affairs part. After watching this section, you can successfully attempt current affairs quiz. Okay, now come to the point. And the first question is, who took oath as Chief Justice of Jharkhand High Court? And here is the answer with details. Justice Dr. Ravi Ranjan took oath as the Chief Justice of Jharkhand High Court. Justice Ranjan has been appointed as the 13th Chief Justice of Jharkhand High Court. The Justice Dr. Ravi Ranjan was a judge in the Punjab and Haryana High Court. He was elevated to additional judge of the Patna High Court on July 14, 2008. And the static current affairs is Governor of Jharkhand Draupadi Murmu and the Chief Minister Raghuwar Das. And the key point is here, name or note down this one. इस पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इन सबको हाईलाइट कर दिया है, और प्लीज़ आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे. ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हु इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ AIBA एथलीट्स कमीशंस? एंड द आंसर इज Lesram Sarita Devi is among the six boxers from fifth continents who were elected as members of AIBA Athletes Commission. She was inspired by Muhammad Ali's achievements and turned professional in boxing in the year 2000. She is DSP in Manipur Police. The election of the Athletes Commission members was organized during AIBA Men and Women World Boxing Championships June 2019 in Russia. And the important key point is, इस नाम को याद रखेंगे और इस सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने इन सबको हाईलाइट कर दिया है. और बढ़ते आगे की तरफ, तो आप प्लीज़ इस पॉइंट को भी याद रखेंगे जो आपके रेलवे, बैंकिंग और SSC में पूछा जा सकता है. तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हु इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट सुगम मिल विच विल प्रोड्यूस एथेनॉल? एंड द आंसर विद डिटेल्स, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज इनॉग्रेटेड नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट सुगर मिल विच विल प्रोड्यूस एथेनॉल डायरेक्ट फ्रॉम सुगरकेन. द मिल विच प्रीवियसली प्रोड्यूस अराउंड 8,000 क्विंटल्स ऑफ सुगर विल नाउ प्रोड्यूस मोर देन 50,000 क्विंटल्स ऑफ सुगर एवरी डे. एंड द स्टैटिक करंट अफेयर्स, गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल. अब मैं आपके लिए वो पॉइंट्स हाईलाइट कर देती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है. क्या होगा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जो इनॉग्रेट करेंगे नॉर्थ मिल, नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट सुगर मिल की, जो पहले 8,000 क्विंटल्स सुगर प्रदान करती थी, प्रोड्यूस करती थी, लेकिन अब ये 50,000 क्विंटल ऑफ सुगर्स जो प्रतिदिन प्रोड्यूस करेगी. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इस टॉपिक को फिर से दोबारा देख लेंगे. और एक ये इम्पॉर्टेंट की पॉइंट है जो आपके रेलवे और SSC बैंक के लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है. तो अगर आपको इस टॉपिक में थोड़ा भी अगर ज्ञान मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे. और प्लीज़ आप
बेल बटन को जरूर दबाएंगे जिससे मैं जब अपलोड करूँगी वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे. सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.